फलसफी नहीं हुई। मैं इसके ऊपर बहुत सोचता था इसका क्या ताबीर है, मुझे लगता था इसका कोई ज़बरदस्त ताबीर होगा। इसी ज़माने में मेरा सफ़र हुआ, तबलीगी सफ़र शुरू हुआ। मैं एक इलाके में सफ़र कर रहा था। उस ज़माने में अल्लाह ने ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से मेरे दिल में पेवस्त कर दी कि देखो ये जो ख्वाब है ना, इसका मतलब बस यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम फिक्र, कुरान, इल्म, रूहानियत मौलवी साद के ऊपर मुंतकिल हो रहा है। और ये इल्का किया गया मेरे दिलों में कि मौलाना साद इस सदी की मुजद्दिद है, इस सदी में अल्लाह उनके उनसे मुजद्दिदाना काम लेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई सारे मुखालिफुन वो दुश्मना ने मौलवी साद और मौलवी साद की इस जमात के जो भी दुश्मन हैं, खैर हम किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन जो भी दुश्मनी में उतर रहे हैं उन सभी से हमारा मुआद्दिबाना दरख्वास्त है, भाई गुजारिश है कि बदगुमानी, गीबत और बहतान से तोबा करे, वरना हम अलग अलग हो जा रहे हैं और हमारे इज्तमाहियत के अंदर, सब के अंदर फटल हो चुका है। अगर आज के दिन नहीं जुड़ेंगे कब जुड़ेंगे? जब मिट जाएंगे तब जुड़ेंगे। हमें आप लोगों के बारे में बहुत चिंता है। बहुत सोचता हूँ कि कई ये सब चक्कर में आकर दुनिया भी ना बिगड़ जाए, आखिरत भी ना बिगड़ जाए। मौलाना साथ तो हर हाल में कामयाब होकर ही रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन हम सब का अफसोस यही है कि कितने बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले, जिनके हाथ पकड़ के हमने तबलीग सीखा है, आज